इंडिया पाकिस्तान आमने सामने खड़े होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में, जो कि ऑफिशियली डिसाइड हो गया है। आपके क्या रिमार्क्स हैं एज अ बॉलर? पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी है, अच्छा मैच होगा। क्राउड, जहां तक क्राउड का मामला है, वो मैं समझता हूँ कि मुसलमान है वहां पे बहुत ज्यादा, तो हमें उनकी तरफ से भी सपोर्ट होगी। इंडियन मुसलमान? बिल्कुल, इंडियन मुसलमान हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं। मैं वहां पे दो सीरीज खेला हूँ अहमदाबाद हैदराबाद में, तो बहुत अच्छा, सारे लोग ऐसे सीरियसली? जो है। वो तो तासुर तो ऐसा ही जाता था कि शायद वो नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, वहां पे जो क्राउड होता है वो सपोर्ट करता है मुस्लिम मुसलमानों को। क्राउड। बिल्कुल, जस्ट यू नो प्लीड टू अ फॉर्मर प्लेयर्स कि यार खुदा के लिए सोच समझ के मतलब बयान दिया करो, इस तरह मतलब फायरिंग मत किया करो यार, इस तरह मत किया करो, सारे लोगों को गंदा मत करो। सारे इंडियन मुस्लिम जो रहते हैं, मतलब जो मुसलमान रहते हैं इंडिया में, दे आर इंडियन नेशनल्स। आप कैसे एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर इस किस्म का बयान दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन ऑफ टू इंस्टेंसेज जिसमें चंद एक लोग आए हो उस कम्युनिटी के? कि जी इंडिया के मुसलमान इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं इनकी विचारों के, एक तो वैसे ही हमारी ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन, उनके भी दिमागों के ऊपर पत्थर डाल दिए गए हैं। लेकिन जो हमारी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल करेंगे तो आपको नजर आएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये थोड़े बहुत आम लोगों की नस्बत, थोड़ा इन्होंने ज्यादा ट्रैवल किया होता है, इनकी भी मतें मरी हुई हैं, इनके भी दिमाग खराब किए हुए। मैं खुद एक भारतीय मुसलमान होने के नाते आपको बता देना चाहता हूँ कि हर भारतीय के दिल में अपने देश के लिए दिल धड़कता है और हर भारतीय अपने देश का समर्थन करेगा, चाहे वो खेल हो या अन्य गतिविधियों। अरे वो मूर्ख, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के क्रिकेटरों का सम्मान करता है, हिंदुस्तान के क्रिकेटरों का सपोर्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तानी पूर्व गेंदबाज राणा जाहिल नावेद का कहना है कि भाई जो भारत के जो मुस्लिम हैं वो इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, और उसका यह भी कहना है कि जब हम भारत में जाते हैं तो भारत के जो मुस्लिम हैं वो भारत की टीम को छोड़कर पाकिस्तान को ज्यादा प्रीफर करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं पवेलियन में आकर। तो ऐसी बकवास कोई जाहिल और कोई मदरसा छाप से ही आपको सुनने को मिल सकता है। वैसे ही ये राणा जावेद भी एक, जैसे आप जानते हैं जो हमारे जो शाहिद अफरीदी हैं और जो जावेद मियादाद या जो वकर उन्नीस जैसे बात कर किया करता है, और इंजमाम उलक, इस तरह का जाहिल अब एक और मतलब उमड़ आया है, उसका नाम है राणा जावेद। उसको आप मतलब कोई बंदा अभी हाल फिलहाल में जो क्रिकेट देखता है उसको शायद ही जानता होगा, और बहुत ज्यादा उसको जानते भी नहीं होंगे इंडियन। लेकिन ये इंडियन के बारे में बोल रहा है कि भाई इंडियन मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं, तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया ने इसकी खूब धुलाई की है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजे लेते हैं, मिलता हूं आपको वीडियो गेम। तो यार के एक सजा कुछ फॉर्म अप, एक कोड ऑफ कंडक्ट कोई फॉर्म अप प्लेयर्स के लिए भी होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए आई मीन जनरली द आईसीसी नीड्स टू डू दिस रियली एंड द होम बोर्ड नीड टू डू दिस। लेकिन कुछ जो फॉर्म अप प्लेयर जिस तरह की बातें करते हैं और जिस किस्म की मतलब बयानात देते हैं विदाउट रियलाइजिंग केयर, इन बयानात का कितना असर हो सकता है, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, एंड आई थिंक दे नीड टू बी एजुकेटेड, दे नीड टू बी एजुकेटेड एंड दे नीड टू बी टोल्ड के यार आप सोच समझ के बात किया करें। इंटरव्यू बाय राणा नवीद जो पाकिस्तान के साबिक पेस बॉलर थे, वो एक वर्ल्ड कप के हवाले से, मैच के हवाले से बात हो रही थी, वर्ल्ड कप मैच जो होने वाला है उसके हवाले से बात हो रही थी, तो उसमें उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जी अब पाकिस्तान टीम जब भी इंडिया जाती है खेलने के लिए, और पाकिस्तान टीम जब जाएगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, इंडिया खिलाफ जो मैच खेलेगी, तो जो इंडिया के मुसलमान जो है वो सारे पाकिस्तान टीम को ही सपोर्ट करेंगे, वो इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऑन सर्फेस बड़ा ये एक इनोसेंट सा स्टेटमेंट लगता है, लेकिन अगर आप इसको मतलब ज़रा गहराई से देखें तो क्या शुड अ फॉर्मर प्लेयर बी गिविंग सच पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, सच इनसेंसिटिव स्टेटमेंट्स? उसको क्या रियलाइज़ नहीं है राणा वेद को कि यार आप जब इस किस्म की बातें करते हैं तो जो एक मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मुस्लिम्स आर द माइनॉरिटी कम्युनिटी इन इंडिया, उन पर क्या असर होगा या उनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी? और फिर आपको कैसे पता कि सारे इंडिया के मुसलमान जो है वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे? आई कैन अंडरस्टैंड, आई बीन टू इंडिया नंबर ऑफ टाइम, तो मुझे पता है हाजी करते हैं, कुछ मुसलमान करते हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन यू से कि जी सारे मुसलमान इंडिया के जो है वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। बिल्कुल गलत बयान है, बिल्कुल मिसलीडिंग बयान है। और मैंने जनरली जो देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन इंडिया मैंने ये देखा है कि इंडियन पीपल, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी है, दे लाइक क्रिकेट, दे लाइक गुड क्रिकेट, दे लाइक वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स, दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव एंड व्हाट यू कॉल इट, एडोरेशन फॉर दीज सुपर स्टार्स, यू नो। मतलब हमने तो ये चीज़ काफ़ी अर्से देखी है, जब आसिफ इकबाल खेलते थे, जावेद मियादाद खेलते थे, इमरान खान खेलता था, उसके बाद पर वसीम अकरम, वकार वगैरह जितने प्लेयर्स आए, जी वगैरह, इनकी बड़ी मतलब इज्जत थी यार, इनको बड़ा प्यार मिलता था इंडिया में, बिकॉज शायद अफरीदी वगैरह, क्योंकि इनको वहाँ के, ये नहीं कि सिर्फ इंडियन मुस्लिम प्यार देते थे, जो वहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी के लोग जो हैं, जो मतलब दूसरी कम्युनिटीज के, वो भी उतना ही पसंद करते थे बिकॉज ऑफ द क्रिकेटिंग एबिलिटीज, वसीम इन पर्टिकुलर, इमरान इन पर्टिकुलर। तो ये कहना कि जी वो इंडिया के मुसलमान जो है वो पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे क्योंकि जी वो मतलब कैसे बोलते, जब इंडिया से खेलेगा, तो ये यार ये बड़ा गलत है, ये बहुत, ये बिल्कुल एक इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, एंड दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी गुड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो आई वो
वुड जस्ट यू नो प्लीड टू अ फॉर्मर प्लेयर्स कि यार खुदा के लिए सोच समझ के मतलब बयाना दिया करो, इस तरह मतलब फायरिंग मत किया करो यार, इस तरह मत किया करो, सारे लोगों को गंदा मत करो, सारे इंडियन मुस्लिम जो रहते हैं मतलब जो मुसलमान रहते हैं इंडिया में दे आर इंडियन नेशनल्स, आप कैसे एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर इस किस्म का बयान दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन ऑफ टू इंस्टेंसेज जिसमें चंद एक लोग आए हो उस कम्युनिटी के। तो उसी तरह अभी नादिर अहमद जिनकी शक्ल एक उल्टे बैंगन जैसी है, उन्होंने पाकिस्तान के एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे राणा नबीदुल हसन, ये वाले, उनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट की तो बात की कि पाकिस्तान और इंडिया का जो वर्ल्ड कप के ऊपर मैच होना है उसके ऊपर थोड़ी सी उन्होंने बात की, उसके बारे में क्या ख्याल है। तो राणा नबीदुल हसन साहब ने वही बात कर दी जो पाकिस्तान में एक आम से बंदे के जहन में डाली जाती है कि इंडिया में बड़ा जुल्म होता है, तो इसलिए इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके दिलों की धड़कने पाकिस्तान के दिलों के साथ धड़कती हैं। तो यहाँ पे जो इंडिया के मुसलमान हैं वो तो पाकिस्तानियों के साथ होते हैं, जब पाकिस्तान के प्लेयर्स चौके छक्के मारे होते हैं तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमें तो पता है कि ये बिल्कुल गलत बात है, मैं तो आज तक किसी इंडियन मुस्लिम से नहीं मिला जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता हो ओवर इंडिया। हाँ, बहुत सारे लोगों के नेक ख्यालात, डिसेंट लोग जो होते हैं उनके नेक ख्यालात होते हैं हर एक के लिए, लेकिन ऐसा मैंने किसी इंडियन मुस्लिम से नहीं मिला जो कहता हो कि हम तो जी इंडिया से नफरत करते हैं पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। चंद एक शायद आपको इधर उधर मिल जाए जो आप ये कई लोग जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो मिल जाए, लेकिन ऐसा मुझे मेरी जिंदगी में नहीं हुआ। मैं बहुत सारे इंडियन से मिलता हूं क्योंकि जब मैं क्रिकेट खेलता हूं, जो क्रिकेट है, इस तरह की चवलें क्यों मारते हैं, सुनिए जरा उस इंडियन मुस्लिम ने क्या कहा। नादिर अली पॉडकास्ट करते हैं, वहां पे एक पाकिस्तान के क्रिकेटर ने आके बोला के वर्ल्ड कप के मैच में हिंदुस्तान के मुस्लिम्स पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, जो कि बिल्कुल झूठी बात है। हम क्यों करेंगे पाकिस्तान को सपोर्ट? बिल्कुल नहीं करते। लेकिन उस वजह से 20 करोड़ जो मुस्लिम है इंडिया के, खासकर यूपी के, महाराष्ट्र के, जहां पे मतलब सरकार अगर उनको इस स्टेटमेंट के बाद कुछ मतलब कार्रवाई वगैरह कर सकती है, तो पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स हैं खासकर नादिर अली के पॉडकास्ट में जो बैठ के झूठ बोलते हैं, आप लोगों को मतलब उन लोगों को बोल रहा हूं, उन लोगों को अंदाजा भी है कि आपके एक झूठ की वजह से 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान का मुसीबत में आ जाता है। तो देखा आपने, तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इंडिया में कोई ऐसे मुसलमान नहीं है कि उनके दिलों की धड़कनें आपके दिलों के साथ धड़कती हैं, वो इंडिया से नफरत करते हैं और पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, ऐसी कोई कहानियां नहीं है। एक सारी आपको मुआशरती लोगों की बोंगियां और पाकिस्तान पीटीवी के न्यूज चैनल्स की ड्रामेबाजी और बहानेबाजी है कि जी इंडिया के मुसलमान इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं इनकी बिचारों के, एक तो वैसे ही हमारी ओवरऑल जो हमारी पॉपुलेशन उनके भी दिमागों के ऊपर पत्थर डाल दिए गए हैं, लेकिन जो हमारी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि लोगों को ट्रैवल करना चाहिए, ट्रैवल करेंगे तो आपको नजर आएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये थोड़े बहुत आम लोगों की नस्बत थोड़ा इन्होंने ज्यादा ट्रैवल किया होता है, इनकी भी मतें मरी हुई हैं, इनके भी दिमाग खराब किए हुए। और उस इंडियन मुसलमान ने बेचारे ने बड़ी अच्छी बात की कि आपके मुसलमान तो ऐसे अपनी ये छाती पर गुरीले की तरह हाथ मार के अपनी इस्लामिक सुप्रीमेसी कायम कर देते हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ चूना लगा देते हैं, लेकिन जो वहां के इंडियन मुस्लिम हैं उनको बेचारों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको ताने मारे जाते हैं हर तरह के। इंडिया बहुत डाइवर्स है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा टॉलरेंट है, पाकिस्तानी को पता नहीं टॉलरेंस का मतलब क्या होता है। अहमदियों की मस्जिदें गिराते हैं, हिंदुओं के मंदिर गिराते हैं, क्रिश्चियनों के गिरजा घर गिराते हैं, उनके लड़के उठाते हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। जिसमें पाकिस्तान क्रिकेटर या कह रहा है कोई राणा करके है, वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान में पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। अरे वो मूर्ख, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या तेरी? हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के क्रिकेटरों का सम्मान करता है, हिंदुस्तान के क्रिकेटरों का सपोर्ट करता है। मैं तेरे को बताना चाहता हूं, शायद तू वो दिन भूल गया जब इसी देश के क्रिकेटर ने तेरी दशा और दिशा बिगाड़ दी थी। अरे तू किस पाकिस्तान क्रिकेट की बात करता है? ये वो पाकिस्तान है जहां आतंकवादी हमला क्रिकेट के मैदान में श्रीलंका की टीम के साथ हुआ। कहां गई थी तुम्हारी सरकारें? क्या किया तुम्हारी सरकार ने? मैं बीसीसीआई के अध्यक्ष से ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सदस्यता रद्द होनी चाहिए। आईसीसी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सदस्यता रद्द होनी चाहिए। उनको भारत में खेलने भी नहीं जाना चाहिए। ये खेल भावना से खेल नहीं खेलते हैं, ये सिर्फ लड़ाने का कार्य करते हैं। ये हमारे देश के मुसलमानों को जबरदस्ती बदनाम करने का काम करते हैं। ये खुद आतंकवादी देश के लोग हैं, ये सिर्फ आतंकवाद की बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि राणा नाबिक के कहने पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन था और इंडियन मुस्लिम का क्या रिएक्शन था, तो दोनों को देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया का भी वही कहना था कि भाई आप एक कम्युनिटी को कैसे बोल सकते हो कि एक अगर एक कंट्री का खेल हो रहा है तो वो उनके मतलब जो प्लेयर है उनको सपोर्ट छोड़ के आपको क्यों सपोर्ट करे। आप यहाँ पर भी मतलब रिलीजन घुसा दिए कि भाई हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स लेकर, ये जो आपका कहना यही है ना साफ तौर पर। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में ज़्यादातर जो मुस्लिम ब्रदर्स हमारे रहते हैं वो मतलब अपने मतलब पूरा खुला टीम इंडिया का सपोर्ट करते हैं। और हाँ, कई ऐसे मतलब कश्मीर में रह जा मतलब है बंदे या कोई ऐसे मतलब हमारे अंदर भी है कि वो भी कभी कभार ऐसे मतलब ये में आकर
पाकिस्तान का सपोर्ट कर देते हैं, वो भी हम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मुसलमान कम्युनिटी ही पूरा मतलब पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। जैसे कि हमारे इंडियन मुस्लिम भाई वीडियो के लास्ट में कह रहे थे कि भाई ये राणा नवेद कोई मूर्ख है क्या, ऐसा बातें बोल रहा है, तो बिल्कुल सही है, राणा नवेद एक तरीके से मूर्ख है और जाहिल और मदरसा चाप है, क्योंकि इस तरीके की बात कोई आप एक अनएजुकेटेड पर्सन और एक गली मोहल्ले में घूमने वाला मतलब ऐसे जाहिल बंदों से आप सुन सकते हैं, ऐसे क्रिकेटर से आप अगर ऐसी बात मतलब सुनते होंगे तो मतलब सुन रहे हैं हम, तो क्या इसे कह सकते हैं। तो इसी से आप मतलब एक सोच समझ सकते हैं पाकिस्तान की, जो एक एक फॉर्मर क्रिकेटर रह चुका है मतलब एक एक्स क्रिकेटर और जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आ चुका है, उसका अगर इस तरह का मेंटालिटी है तो वहाँ पर बसे मतलब नॉर्मल लोगों की और आम लोगों की मतलब भारत के प्रति कैसी उनकी नफरत है, ये हमको साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और राणा अवैध की इस बयान को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।